दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। नागपुर में हत्या का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। नंदनवन थाना अंतर्गत एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां कुछ दोस्तों ने फ्रेंडशिप डे के दिन हुए विवाद में बदला लेने के लिए अपने दोस्तों पर सत्तू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अनिकेत भोतमांगे विंडो फ्रेमिंग का काम करता था। उसके परिवार में उसके माता पिता छोटा भाई है। हर रोज वह दोस्तों के साथ बाहर घूमकर रात 10 से 11 बजे घर लौटता था, लेकिन मंगलवार रात को 11 बजने के बाद भी अनिकेत घर नहीं लौटा। कुछ देर बाद अनिकेत के पिता को पुलिस स्टेशन से फोन आया कि अनिकेत को चोट लगी है और उसे मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनिकेत के पिता को यह खबर लगते ही वह तुरंत मेयो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें अनिकेत के हत्या के बारे में पता चला। अनिकेत के दोस्तों से पता चला कि मंगलवार रात को अनिकेत अपने दो दोस्तों के साथ नंदनवन गया था। इस दरमियान हिरवी नगर मैदान के पास उसके दोस्तों से विवाद हो गया और विवाद बढ़ता ही गया, जिसके बाद उन लोगों ने अनिकेत पर सत्तू से सपासप वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गए। घटना में कुल 6 आरोपियों का समावेश होने की बात सामने आते ही पुलिस ने तुरंत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार फ्रेंडशिप डे के दिन अनिकेत अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। वहां कुछ बात को लेकर दोस्तों के साथ विवाद हो गया, जिसका बदला लेने के लिए अनिकेत की नंदनवन परिसर में हत्या कर दी गई। नंदनवन पुलिस डीसीपी अक्षय शिंदे के मार्गदर्शन में घटना की जांच कर रही है। 9:30 च्या दरम्यान ही घटना घडली। मृतक आणि त्याचे काही मित्र, मृतक गड्डी गोदामला राहतो, तिथून इथपर्यंत आले, इथे बसले। या भागात त्याचे पूर्वी घर होते। इथे आल्यानंतर त्याचे आणखी काही ओळखीचे दुसरा ग्रुप बसलेला होता, त्यांच्यात काही वादावादी झाली आणि त्याचा परिणाम पुढच्या भांडणातून मृतकाला एकाने गुप्तीसारख्या शस्त्राने भोसकलं आणि त्याच्यात त्याचा रात्रो मृत्यू झाला। इथूनच त्याचे जे मित्रपरिवार होते किंवा ओळखीचे होते त्यांनीच त्याला हॉस्पिटलला नेलं 2-3 आणि शेवटी मेवला नेण्यात आलं आणि तिथे त्याचा मृत्यू झालेला आहे, अशी प्राथमिक घटना आहे। याच्यामध्ये निष्पन्न संशयित आरोपींना पोलीस स्टेशन नंदनवन आणि डीसीपी झोन 4 यांच्या पथकांनी ताब्यात घेतलेलं आहे आणि पुढील तपास चालू आहे। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।